हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो बी स्टडी पर आपका फिर से स्वागत है। तो मैं आ चुका हूं आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पार्ट टू लेकर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहां पर आपका फर्स्ट सेमेस्टर बीए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जा रहा है, वो भी डिटेल में। जैसा कि हमने चैप्टर वन प्रॉब्लम्स ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस एंड चैप्टर सेकंड डिमांड को अच्छे से डिटेल में कंप्लीट किया, वैसे ही हम इसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कंप्लीट कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पार्ट वन में हमने क्या पढ़ा था इसके के प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है और इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है, और थोड़ा इलास्टिसिटी के बारे में जाना। तो हम अब प्राइस इलास्टिसिटी को और अच्छे से जानेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी में, ये तो आपको पता चल गया कि प्राइस इलास्टिसिटी में क्या होते हैं। हम ये देखते हैं कि प्राइस की वजह से डिमांड में कितने परसेंट की चेंजिंग आई, ये सब हम किसमें पढ़ेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी में। कल तक आपका हमारा यहां तक हो गया था कि प्राइस इलास्टिसिटी में हम ये जानते हैं कि प्राइस की वजह से जो भी डिमांड में चेंज आती है, जितने परसेंट की चेंज आती है वो हम इसमें निकालते हैं। तो बेटा अब इसको आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी को। तो प्राइस इलास्टिसिटी निकालने के हमारे दो मेथड है, पहला है परसेंटेज मेथड, दूसरा है प्रोपोर्शनेट मेथड। तो चलिए देखते हैं। तो बेटा देखिए, परसेंटेज मेथड ये बताता है हमें कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये वाला इसका फॉर्मूला है। अगर आगे भी हम इसको न्यूमेरिकल्स में सोल्व करेंगे तो अभी ये फॉर्मूला है, पहले इसको फॉर्मूले को अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आपको कोई बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें ये देखिए, इस चेंज इन परसेंटेज इन डिमांड, सबसे पहले ये कैसे निकालते हैं, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड बेटा हम ऐसे निकालते हैं। तो बेटा डेल्टा क्यू अप डिवाइड बाय क्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये इसका मतलब क्या है, तो बेटा डेल्टा क्यू का मतलब है चेंज इन डिमांड, के डिमांड में कितना चेंज आया। तो अब इसको डेल्टा क्यू निकालते कैसे, डेल्टा क्यू निकालने का तरीका है क्यू वन माइनस क्यू, यानी क्यू वन क्या है हमारा, क्यू वन है बेटा न्यू डिमांड। जैसे कि डिमांड जो दो होती है, यहां पर डिमांड दो है और प्राइस भी दो है, तो डिमांड कैसे दो है कि पुराना प्राइस क्या है 10 था और पुरानी डिमांड 100 थी, यानी कि 10 पे 100 की डिमांड हो रही थी। ऐसी अब नया प्राइस क्या है 20 और नई डिमांड क्या है 50। तो ये सब क्या है, वो वाला पुराना है फर्स्ट वाला और ये क्या है नया। तो ऐसे यहां देखो, ये क्या होता है हमारा पी और ये होता है पी वन, ऐसी ये क्यू, ये होता है क्यू वन। तो देखो डेल्टा क्यू हम आपको अच्छे से आया होगा कि Q1 माइनस क्यू, तो यहां पर क्या है Q1 माइनस क्यू, Q1 माइनस क्यू से क्या निकलता है हमारा, ये निकल जाता है डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू की जगह हम ये रख देंगे, डेल्टा क्यू निकाल कर डेल्टा क्यू, और क्यू तो आप जानते हो, क्यू मतलब ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड, तो ओल्ड डिमांड यहां पर रख देंगे डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100 इस फॉर्मूले में यहां रख देंगे, और फिर डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, चेंज इन प्राइस। अब चेंज इन प्राइस कैसे निकालते हैं, ऐसे ही डेल्टा पी कैसे निकालते हैं, वही P1 माइनस P1 देखो ये रहा न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, यहां पर लिखा भी है कि न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका पूरे का और अच्छे से समझ सकते हैं। तो डेल्टा पी हमारा निकल चुका है, अब डेल्टा पी को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, पी से। अब पी यानी ओल्ड प्राइस, वही ओल्ड प्राइस यहां पर है हमारा 10, तो यहां पर 10 रख देंगे मल्टीप्लाई बाय 100। इनको सॉल्व करके क्या हमारा क्या निकल जाएगा, हमारी निकल जाएगी इलास्टिसिटी निकल जाएगी हमारी, परसेंटेज इलास्टिसिटी हमारी निकल जाएगी, कितने परसेंट चेंज आया डिमांड में, ये निकल जाएगा। और दूसरा फॉर्मूला बेटा इसका होता है प्रोपोर्शनेट मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड में ये रहा हमारा डेल्टा क्यू डिवाइड बाय क्यू मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन डेल्टा पी। अब यहां पर क्यू, जैसे कि आपको पता है डेल्टा क्यू और डेल्टा पी यहां पर निकालना सीख चुके हैं हम, और क्यू माने ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड और पी माने ओल्ड प्राइस, ये हम देख चुके हैं। अगर इस फॉर्मूले की बात की जाए तो बेटा ये फॉर्मूला यहीं से बनकर आ चुका है, कैसे ड्राइव हुआ है और उसकी डेरिवेटिव देखते हैं। तो देखो यहां तक हो गया, ये इसका फॉर्मूला है, अगर हम इसके आगे जाए तो इसको यहां पर लेकर आते हैं, यहां पर लेकर जाए तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन डेल्टा पी डिवाइड बाय पी मल्टीप्लाई बाय 100। तो बेटा मैथ थोड़ी बहुत तो जानते ही होंगे आप, देखो यहां पर से 100 कैंसल आउट हो गया और ये आपका कैसा बन गया, ये ऐसा बन गया डेल्टा क्यू डिवाइड बाय क्यू डेल्टा पी डिवाइड बाय पी। तो यहां पर क्या जानते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई, ये अंदर के अंदर वाले से बाहर के बाहर वाले से, तो ये क्या हो जाएगा,
अगर हम बार की बार वाले से कराएंगे तो डेल्टा क्यू मल्टीप्लाई क्या हो गया पी, और ये नीचे वाले की कराए तो क्यू, क्यू की किससे कराएंगे डेल्टा पी से। तो बेटा देखो ये फॉर्मूला ही नहीं बन गया, तो प्रोपोर्शनेट मेथड क्या होता है, यही फॉर्मूला के आगे जाकर ऐसा बन जाएगा। तो या तो आप वहां से कर सकते हो या यहां से कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। ये दोनों फॉर्मूले होते हैं इलास्टिसिटी निकालने के लिए। इलास्टिसिटी मतलब कितना चेंज आ रहा है डिमांड में। तो हमने ये सब जान लिया कि दो मेथड होते हैं, दोनों तरीके से जान लिया हमने कैसे इलास्टिसिटी हमारी निकलती है। तो अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो बेटा इलास्टिसिटी सिर्फ पांच तरीकों से निकल सकती है, सिर्फ पांच वैल्यू आएगी इलास्टिसिटी की। नेगेटिव कभी आ नहीं सकती, क्योंकि किसी भी चीज को अगर हम खींचेंगे तो स्ट्रेचेबिलिटी कभी जीरो तो होगी, जीरो से नीचे तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। या तो वो खींचेगी नहीं, और खींचेगी नहीं तो इलास्टिसिटी जीरो है ना। अगर खींचेगी तो कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, नेगेटिव में कभी हो ही नहीं सकती बेटा। तो पांच आएगी, पहली आएगी हमारी अगर कोई खींचती ही नहीं है, हमने किसी को खींचा यानी कि डिमांड में कोई चेंज ही नहीं आया है ना, यही तो होता है। तो इलास्टिसिटी जीरो, या तो इसकी वैल्यू आएगी जीरो, या वन से कम आएगी, या वन से ज्यादा आएगी, या फिर इन्फिनिटी आएगी, या फिर वन आएगी। पांच तरीके की आ सकती है, उन्हीं पांचों तरीकों को हम जानेंगे ये इस पार्ट टू में। तो आइए एक एक करके अच्छे से समझते हैं। तो पहले आती है जीरो। जब हमारी इलास्टिसिटी जीरो आए तो जीरो का मतलब क्या है, इसको क्या इंटरप्रेट करें हम। तो बेटा जीरो आए तो इसको हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। अब इनइलास्टिक से मतलब से ही समझ रहे होंगे, और परफेक्ट मतलब बिल्कुल परफेक्ट। तो परफेक्ट से मतलब इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब क्या, कोई भी चीज को हम खींच रहे हैं तो उसमें खींच ही नहीं रही है, तो जीरो है। मतलब कि डिमांड में चेंज आ ही नहीं रहा। देखो यहां पर इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो देखो प्राइस 10 से 20 हो चुका है, लेकिन डिमांड हमारी 50 की 50 ही है। डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, प्राइस यहां पर चेंज हो चुका है, प्राइस में चेंजिंग आया 10 to 20 आया, या 20 से 10 हो गया, लेकिन डिमांड कितनी रही, यहां भी 50 थी 10 पर, और यहां भी 20 पर भी डिमांड हमारी 50 थी। यानी कि जब प्राइस जितना भी चेंज हो, डिमांड में कोई भी चेंज ना आए, कोई भी चेंज नहीं आए, तो मतलब वो इनइलास्टिक है। और कैसा इनइलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक, क्योंकि बिल्कुल भी चेंज नहीं आ रहा उसमें। तो अगर जीरो आए तो क्या इंटरप्रेट करेंगे हम उसे, कि परफेक्टली इनइलास्टिक है, मतलब डिमांड में कुछ चेंज ही नहीं आ रहा प्राइस के बढ़ने या घटने से। तो ये आ गया, अब जीरो नहीं आ सकती तो जीरो से ज्यादा आएगी, जीरो से ज्यादा और कम से कम, एक से कम। तो देखो बेटा यहां पर एक से कम आए तो क्या इंटरप्रेटेशन रहेगी उसकी। तो अगर एक से कम आए तो उसका मतलब होता है देखो कि प्राइस तो ज्यादा, प्राइस के ज्यादा बढ़ने से डिमांड थोड़ी सी बढ़ रही है, या अगर समझे तो प्राइस बहुत ज्यादा कम होने से डिमांड सिर्फ थोड़ी सी ही बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये होता है। तो आइए इसको अच्छे से ग्राफ पे समझते हैं। तो देखिए बेटा यहां पर देखो 20 से प्राइस कितना हो गया, जब 20 था तो डिमांड क्या थी 10 थी। अगर देखो इसको ऐसे समझे, प्राइस जब 80 था तो डिमांड क्या थी 10 थी, और जब प्राइस 20 हुआ तो डिमांड भी क्या हो गई 20 हो गई। यानी कि ये देखिए प्राइस इतना ज्यादा था तब डिमांड क्या थी सिर्फ 10 थी, और प्राइस घटकर इतना कम हो गया 20 पर पहुंच गया, डिमांड सिर्फ एक यूनिट ही बढ़ी। मतलब इसका क्या इंटरप्रिटेशन है, अगर हम समझे तो प्राइस के ज्यादा कम होने या ज्यादा बढ़ने से डिमांड पर असर क्या आता है, थोड़ा सा असर आता है। मतलब डिमांड बिल्कुल थोड़ा सा चेंजिंग आता है डिमांड में, थोड़ी सी परसेंट का चेंज आता है, इसके बावजूद भी कि प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज या बहुत ज्यादा चेंज आता है, तो उसका डिमांड में क्या उसका असर आता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, कि डिमांड सिर्फ थोड़ी सी ही चेंज होती है। प्राइस के ज्यादा चेंज होने से डिमांड का थोड़ा सा ही चेंज होना क्या होता है, इसका इनइलास्टिक। इसको क्या बोलते हैं, इनइलास्टिक। मतलब ये थोड़ा सा ही चेंज आता है तो इनइलास्टिक बोलते हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या था, उसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा था डिमांड में, इसमें डिमांड में सिर्फ थोड़ा सा चेंज आ रहा है प्राइस के इतना ज्यादा चेंज आने के बावजूद भी। तो इतने ज्यादा चेंज आने के बावजूद भी अगर थोड़ा सा चेंज आ रहा है तो वो होगा इनइलास्टिक। अब या वन से क्या हो गया, वन से नीचे होगा। अब या तो वन भी तो हो सकता है हमारा, तो अगर इलास्टिसिटी वन आ रहा है तो हम कैसे समझेंगे उसका मतलब क्या है। तो बेटा इलास्टिसिटी वन आ रहा है तो इसका मतलब है, इसको बोलते हैं यूनिट इलास्टिसिटी। अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि जितना प्राइस बढ़ा उतनी ही डिमांड भी बढ़ी, और जितना मतलब क्या, जितना प्राइस बढ़ा तो उतनी डिमांड
कम हो गई और जितना प्राइस कम हुआ उतना ही डिमांड बढ़ गया। अगर हम ऐसे लॉ ऑफ डिमांड के थ्रू समझे तो बेटा ये रहेगा। तो देखिए इसको समझते हैं एक बार के। देखो यहां पर क्या था, यहां पर जब 30 प्राइस था, प्राइस कितना था 30, तो डिमांड कितनी थी 10, और लेकिन जब प्राइस 20 हुआ तो डिमांड भी क्या एक यूनिट बढ़ गई। तो देखो यहां पर क्या, जितना प्राइस कम हुआ उतनी डिमांड बढ़ गई। तो मतलब जितना प्राइस कम होगा उतनी ही डिमांड बढ़ेगी, ये जितना प्राइस बढ़ गया उतनी ही डिमांड कम होगी, तो क्या आएगा बेटा 1। अब यहां पर सही समझ लो, देख लो यहां पर परसेंटेज चेंज इन डिमांड, मतलब जितना परसेंटेज चेंज, मान लो 10% का चेंज आया, ये मान लो 10 का ही चेंज आया डिमांड में, तो 10 का ही प्राइस में आया, तो ये कटकर 1 नहीं आ जाएगा बेटा। तो इसका मतलब यही होता है, इसका क्या, अगर इलास्टिसिटी हमारी 1 आ रही है, इसको यूनिट इलास्टिसिटी बोलते हैं, यानी कि जितना डिमांड में चेंज आएगा उतना ही प्राइस में भी चेंज आएगा, और जितना प्राइस में चेंज आएगा उतना ही डिमांड में चेंज आएगा, ये उसका मतलब होता है कि जब इलास्टिसिटी 1 आए। अब समझते हैं 1 से ज्यादा भी तो आ सकती है, तो अगर 1 से ज्यादा आती है इलास्टिसिटी तो उसका क्या मतलब है। तो बेटा उसका मतलब सिंपल सा है कि डिमांड प्राइस के थोड़े से चेंज होने पे डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है, मगर अगर क्या, अगर प्राइस के थोड़े से ही चेंज होने से डिमांड ज्यादा चेंज हो जाती है, वो हमारी किस में काउंट होगी, इलास्टिक में। मतलब क्या है, वो इलास्टिक है। मतलब देखो यहां पर देखो, प्राइस पहले कितना था 30 था और डिमांड कितनी थी सिर्फ 10, और यहां पर प्राइस घटकर कितना हो गया, सिर्फ ये एक ही यूनिट कम हुआ है, देखो एक यूनिट ही कम हुआ है, और देखो डिमांड में कितना चेंज आ गया, 10 से सीधा 40 हो गई। यानी कि प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आता है तो डिमांड में कई गुना बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है, प्राइस से ज्यादा चेंज आ जाता है, तो वो क्या हो जाती है, इलास्टिक हो जाती है बेटा, कि प्राइस के थोड़े से ही चेंज आने में डिमांड में ज्यादा चेंज आना ही क्या हो जाता है हमारा, इलास्टिक। अब देखो 1 से ज्यादा भी हो गया, अब एक होता है इन्फिनिटी, यानी कि बहुत ज्यादा, उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। अगर हम वैसे ही समझे इसको तो बेटा इसका मतलब होता है, इसका इंटरप्रिटेशन ये होता है कि प्राइस में कोई चेंज ही नहीं आ रहा फिर भी डिमांड बढ़े जा रही है। मतलब क्या, बिना प्राइस के चेंज आने के डिमांड में चेंज आ रहा है, तो उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। मतलब वो इलास्टिक है, बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ रही है बिना प्राइस में चेंज आए। तो आइए एक बार इसको अच्छे से समझते हैं। ये देखिए यहां पर क्या था हमारा प्राइस, प्राइस 20 था, अगर ऐसे समझे तो प्राइस 20 था, डिमांड कितनी थी यहां पर 10, और यहां भी प्राइस 20 है तो डिमांड कितनी पहुंच गई 30, है ना। वैसे तो बेटा ये होता नहीं है, ये वाला और ये वाला, खुद ही सोचो, अगर यहां पर हम प्राइस के बढ़ने से लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा, है ना, तो मतलब क्या, इसका इमेजिनरी होता है, मतलब ऐसा मानकर चलते हैं हम कि अगर प्राइस बढ़नी, प्राइस के बिना चेंज आए डिमांड में चेंज आ रहा है, तो हम इमेजिन कर रहे हैं कि तो डिमांड क्या होगी, परफेक्टली इलास्टिक होगी। ये इमेजिनरी होते हैं, ये वाले और ये वाले इमेजिनरी होते हैं, इसको खाली हम ऐसे ही रखते हैं कि इमेजिन करके अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, ऐसा रियल लाइफ में होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये समझ आया होगा परफेक्टली इलास्टिक का मतलब, प्राइस में बिना चेंज आए डिमांड में बहुत सारा चेंज आ रहा है, बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है अगर बोले तो, और इसमें क्या, सिर्फ प्राइस में चेंज आ रहा है, डिमांड में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, तो इसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। जब डिमांड में चेंज नहीं आ रहा तो इनइलास्टिक, और डिमांड में चेंज आ रहा है तो इलास्टिक। और परफेक्टली कब बन जाएगा, जब ज्यादा आ रहा है बिना उस प्राइस में चेंज है, और क्या परफेक्टली उसमें भी है ऐसा ही, इन इलास्टिक और इलास्टिसिटी में। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ऐसे ही प्यार और अपना सपोर्ट बनाते रहिए बी स्टडी पर, हम ऐसे ही आपके आगे पार्ट लाते रहेंगे और आपका पूरा सिलेबस यहीं पर कंप्लीट किया जाएगा, कराया जाएगा पूरा ही। पार्ट 2 आज फिनिश होता है, अगली वीडियो में हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।